मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोल इंडिया के पास राज्य सरकार का 1.5 लाख करोड़ रुपए का बकाया है। अभी तक कोल इंडिया से महज 300 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री गुरुवार को विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सदन में भाजपा विधायक ढुल्लू महतो द्वारा धनबाद में रैयतों का मुआवजा भुगतान होने तक खनन पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार की कंपनियां झारखंड में स्थापित होने के लिए शुरू में हाथ पैर जोड़ती हैं और काबिज होने के बाद रैयत तो क्या मुआवजे के लिए राज्य सरकार से भी नाक रगड़वाती हैं। आपको बता दें कि झारखंड में विधायकों की स्थानीय क्षेत्र के विकास के तहत मिलने वाला वार्षिक फंड बढ़ाने की मांग उठ रही है। गुरुवार को विधायक स्टीफन मरांडी ने इस मामले को सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है और इस हिसाब से विधायक फंड की राशि को 4 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ किया जाना चाहिए। भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि 3-4 साल पहले से 4 करोड़ मिल रहा है, जो काफ़ी कम है। अब महंगाई बढ़ी है, GST आदि भी लगता है, ऐसे में सरकार इसे बढ़ाकर 8 करोड़ रुपए करे। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सभी सदस्यों को अनुशंसा के अनुरूप सड़क उपलब्ध कराई जाती है। फंड ज़्यादा आएगा तो अनुशंसा के मुताबिक सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। देखना होगा अब आगे कि इस मांग को हेमंत सरकार कैसे पूरा करती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।